इस बुक का क्या प्राइस है इंडियन सल्ट्रस? इस बुक का प्राइस क्या है? 5000 एमआरपी। 5000 हाँ जी, निकल रहे हो आप? निकल रहे हो? हाँ, मिल ऐसे करके कोई टाइम ही नहीं मिला लगाने का। वैसे ठीक है, ये तरफ ठीक है, इसको भी थोड़ा वही करना है। क्या ऑन करना है? आपकी तरह मैं भी खेच लूंगा ना। बनाओ, चालू है। नमस्कार, नमस्कार। आपकी वीडियो देखता था उसमें चार चार मैं पूरी एल्बम बना रखी है मैंने। अच्छा। वो जो आप 2 रुपए के क्या नाम है कॉपर निकल के चार वो लॉइड पैर की चार चार के सेट बनाए, चार चार के सेट, 2 के बन जाते हैं, 3 के बन जाते हैं, 4 के नहीं बनते, 4 के बनाए मैंने। सब वीडियो आप लोग देखी होगी वो शायद यूट्यूब पर आपको दूसरी नहीं मिलेगी, वो बड़ा टफ है वीडियो को समझना, बहुत मुश्किल है। जवाहरलाल नेहरू के मैंने 4 अलग डाइवर्सिटी दिखाई है। हाँ, देखा होगा। एक आता है ओवर्स म्यूल, इस पर ओवर्स प्रूफ डाई मारी बड़ा महीना सीखा होता है। एक होता है रिवर्स म्यूल, ठीक है, एक होता है बोथ साइड म्यूल, और एक जो नॉर्मल डाई होती है उसमें 4 अलग अलग डाइवर्सिटी, चारों की अलग अलग। जो ओवर्स म्यूल है वो रेयर होता है, 2500 रुपये होता है। साथ ही ये क्या 96 है, 97 है, ये तो नॉर्थ है ना, ये सब्सक्राइबर है। नाम बताओ आप। मेरा सुमित माहेश्वरी। कहाँ से वीडियो में देखा आपने, क्या समझा? जैसा आपने वीडियो को बताया था उसी हिसाब से, परंतु इसका जो है हल्का मतलब साफ और ज्यादा एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, यानी कि सिक्के अच्छी कंडीशन में कलेक्ट करोगे कीमत ज्यादा मिलेगी, और कॉइन बिकते भी हैं। रियल में ये सिक्के देखो आप इनके,
इन्होंने जनरल सर्कुलेशन से कुछ रेयर और महंगे सिक्के कलेक्ट करे हैं, जैसे बॉम्बे मिंट का है, बॉम्बे मिंट का है 2004 का सिक्का, ये रेयर की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही ये नोएडा मिंट का 2005 का डबल क्रॉस का सिक्का है, ये भी इन्होंने सर्कुलेशन से कलेक्ट किया है। 5 रुपए का संत थिरुवल्लुवर नोएडा मिंट का सिक्का, ये भी सर्कुलेशन से कलेक्ट किया है। कोपर निकल के बाल गंगाधर तिलक के सिक्के, जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का कोपर निकल स्ट्राइक, और ये स्टेनलेस स्टील खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के, और ये दो अलग अलग एज वैरायटी। लाल बहादुर शास्त्री के कोपर निकल के दो सिक्के, जिसमें एक में रिडेड एज है, एक में सिक्योरिटी एज। बताते हैं वो जेन्युइन बात होती है, फेक नहीं होती, कोई लोभ लालच नहीं, और कोई लोभ लालच नहीं। अच्छा आप बताओ सर, आपको जो म्यूल कॉइन का वीडियो देखते हो अच्छे से समझ में आती है आपको? पूरी समझ में आती है, कलेक्ट करते हो आप म्यूल कॉइन? तो म्यूल कॉइन की जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने लगभग जो आप वीडियो वो करते हो उसी को मैं नेक्स्ट डे उस पर वर्क करना चालू कर देता हूँ। जो फ्रेश आएगी वीडियो उस पर फ्रेश पे फिर मुझे टाइम लगता है, जो पहले देख चुका हूँ उसको उस पर ले आया वहाँ तक। अच्छा मुझे ये बताओ, अब एक दूसरे की जैसे मैंने कलेक्शन की सिक्कों वालों से सिक्के ले लिए, किलो में ले लिए, पीस के हिसाब से ले लिए, और उससे कह दिया भाई जो इसमें जो चाहिए होंगे। कमेंट आप रेगुलर करते हो, नाम से मैंने पहचान लिया है आपको, फेस भी मैंने आपका इंस्टाग्राम पर देखा, आप भी कलेक्शन करते हो काफी अच्छा कलेक्शन। इधर आओ, कोई बात नहीं, बैठो। ये जुल्फिकार अली है जो कॉइन कलेक्टर है, ये भी कलेक्शन करते हैं काफी टाइम से, ये यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ कितने टाइम से आप कॉइन कलेक्शन कर रहे हो, क्या नॉलेज आपको मिल रही है? नॉलेज तो बहुत अच्छी मिल रही है, स्टार्टिंग जो मैंने की थी 3-4 चैनल थे, जिसमें रवि भाई का था और हेमंत जी का था। सबसे अच्छा आपका लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे अच्छा आपका लगा, मुझे 18-20 साल हो गए, ऐसा कोई भी स्टॉल लगा के बैठा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे नहीं जानता, मैं इसके घर वो मेरे घर नहीं आया। अच्छा, ये रवि वर्मा जी मेरे कम से कम 5-6 बार घर आए, तो इसलिए मुझे ये सारा मैंने सब तक देखा है। सबसे अच्छा वीडियो आपका लगता है, आपका समझाना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो है ना बहुत गहराई की तरह इंसान को इतनी इजीली तरीके से समझाते हो कि वाकई में माइंड में एकदम क्लियर हो जाता है। नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ, सिक्का है ना, देखो सिक्का हाथ में लेकर उसके बारे में समझाना है ना ज्यादा आसान होता है। अगर किसी सिक्के के बारे में बता रहे हो, सिक्का पहले तो आपके हाथ में होना जरूरी है, और ऐसी सिंपल और साधारण लैंग्वेज हो जो सभी के आराम से समझ में आ जाए। हालांकि न्यूमिस्मैटिस्ट की और भी थोड़ी टफ लैंग्वेज होती है, तो उसको हम थोड़ा साइड में करके और हम अगर सिंपल और साधारण शब्दों में बात करें तो सभी के समझ में आ जाती है। क्या अगर हमें किसी फैट लो इन डाइवर्टी के बारे में समझना है तो हमें कैसे आराम से उसको हम समझ सकते हैं? क्या जो अशोक स्तंभ है वो बड़ा है, छोटा है, क्या है, आप बताओ। क्या कुछ कह रहे थे आप? दिमाग से मैं ये कह रहा था कि ऐसा होता है, फेक चैनल बहुत चलता है और उसमें आपको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे आपको कमेंट कर दिया, 20,000 कमेंट पड़े, तो बेफजूल का कमेंट करते हैं। आपको एक बात बताऊं, वो उन चैनलों को टारगेट करते हैं जो रियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि उनके पता, उनको पता है कि यहाँ पर जो कलेक्टर है सिर्फ सीरियस कलेक्टर इस चैनल पर आते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, रिप्लाई मुझे करना है कमेंट का, लेकिन रिप्लाई कर रहे हैं वो, आपने कमेंट किया और वो ओल्ड कॉइन कंपनी करके इस तरह से वो रिप्लाई करते हैं। ठीक है, वो बात करते हैं, और जो कुछ नए कलेक्टर हैं या जो नए सब्सक्राइबर हैं वो उनसे बात करने लग जाते हैं। मैंने काफी बार देखा, आप ये विश्वास मानो, एक महीने में 250 से ज्यादा उन लोगों को ब्लॉक करते हैं। ऑप्शन आता है ना कमेंट में, क्या इस यूजर को आप ब्लॉक करना चाह रहे हो? तो 250 से ज्यादा ऐसी आईडी और ऐसे चैनल को ब्लॉक कर चुके हैं। अब ये लोग बड़ी मात्रा में है, यूट्यूब पर ज्यादातर फेक चैनल की भरमार है, और जो असली चैनल है वो गिनती के आप उंगलियों पे गिन सकते हो, चार पांच चैनल। अच्छा, दूसरा सिक्कों की कलेक्शन जो चालू करी मैंने, वो आप ही के एडवाइस पे थी, उससे पहले मैं सिक्कों की कलेक्शन में नहीं था, थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो ही लेके रख लिया। कैसी हो गई ये बताओ? बहुत अच्छी है, देखिए हमारे ऐसी उम्र के लिए तो बहुत अच्छी है।
घर में कोई काम नहीं है, लॉकडाउन है, ताला रोजगारी ले आओ बैठे बैठे जाओ। कौन सा अच्छा सीखा है? दिमाग के फालतू बन की टेंशन से आदमी दूर रहता है। मेरे पास तो हमें कितना सिक्का पड़ा, मुझे आप नहीं पता कितने सिक्के आदमी पागल हो गया। कितने सिक्के हैं पता नहीं होंगे, पौने 200 किलो। ये आपके एल्बम है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। ये देखो, ये कलेक्टर है, ये अलीगढ़ से आए, इनकी ये कलेक्शन है। इन्होंने स्मारक सिक्कों का देखो, ज्यादातर इन्होंने स्मारक सिक्के कलेक्ट किए हैं, हर मिनट का। हाँ, इन्होंने ज्यादातर मिनटों के, स्टेनलेस स्टील के, कॉपर निकल के, इन्होंने डाई वैरायटी भी कलेक्ट की है। वो डाई वैरायटी दिखाओ एक बार। देखो सर्कुलेशन से मैंने एक वीडियो बनाई थी एक डाई वैरायटी की, वो ये डाई वैरायटी है। देखो ये 1999 का कॉपर निकल का 9 ग्राम वजन का सिक्का है, सिक्योरिटी एज, ऑबर साइड अशोक स्तंभ। इस अशोक स्तंभ से डाई वैरायटी की पहचान होती है। ये जो अशोक स्तंभ है इसको बोलते हैं फैट लाइन डाई वैरायटी। जो नॉर्मल सिक्का आपको देखने को मिलेगा 1999 का बॉम्बे मिंट का, उसमें अशोक स्तंभ छोटा और चपटा देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें फैट लाइन डाई वैरायटी है। इसलिए सर्कुलेशन से कलेक्ट किया गया एक रेयर सिक्का है जो इन्होंने सर्कुलेशन से कलेक्ट किया है। और भी इन्होंने काफी सिक्के कलेक्ट किए हैं, सारे सिक्के आप देख रहे हैं ये सर्कुलेशन से ही कलेक्ट किए गए हैं, रेयर और वैल्यूएबल सिक्के हैं सभी। अच्छा आप बताओ, आपने सर्कुलेशन से अभी तक कौन सा अच्छा सिक्का कलेक्ट किया है, मतलब जो अच्छा रेयर वैल्यूएबल सिक्का आपको आम चलन से मिल गया हो? अच्छा, आम चलन से ही मिले मेरे पास जो भी है। आप किसी टाइम से दो सेकंड मुलाकात होगी, मैं पूरी एल्बम ला के आपके हाथ में रख दिखा दूंगा आपको। जो जो आपने गाइडेंस दी है वही मैंने ढूंढी, आम चलन से खरीदा नहीं, कोई भी सिक्का नहीं खरीदा। अब जैसे ये 99 का, सुनो ये 99 का है, इनके पास का सुनो, इसी में 3 है मेरे पास, ठीक है। और 100 से ऊपर में टाप गया 98। अच्छा 100 से ऊपर। अच्छा आप बताओ कुछ कह रहे थे, आप कहते खरीदनी पड़ जाती है, जैसे पानी का पुरानी करनी हुई जगह हुआ वो तो खरीदनी पड़ेगी ना, कहाँ मिलती है? जब हम कलेक्शन करते हैं ना तो कलेक्शन बहुत अलग तरीके का है। एक तो होता है सीरीज वाइज, सीरीज वाइज क्या रिपब्लिक इंडिया के जितने भी स्मारक सिक्के आए हैं, मुझे सारे 5 रुपए के सिक्के कलेक्ट करने हैं तो वो सारे सीरीज वाइज करेंगे और मिनट वाइज करेंगे। अब मान लीजिए कोई सिक्का उनमें अटक रहा है, उनका मिल नहीं रहा है, वो बार बार ढूंढ रहे हैं, जैसे नोएडा मिंट का ही ले लो, क्या भाई ये सिक्का उनको बाकी मिंट का तो मिल गया है और ये नोएडा मिंट का नहीं मिल रहा है, मजबूरी में कोई खरीदना पड़ेगा, वही वैल्यू देगा अपना कलेक्शन पूरा करने के लिए। क्योंकि मेरे पास मैं करता था नोट, ठीक है, नोट का मुझे हॉबी थी और शुरू से नोट की हॉबी थी मेरे पास, यहाँ तक कि 5,000-10,000 तक का बार खड़े हुए सबकी बना बना दी, एक बार फोन देखी तो सही बार मैं देखता हूँ, अभी देखी 5,000-10,000 के नोट तक की कलेक्शन मैंने करी है। कहाँ से लाया क्या मास्क बिल्कुल हटाइए आगे से, क्योंकि शौक था लेके आया। उसके बाद एक क्वाइन की कलेक्शन में इसलिए आया कि कम लागत में और अच्छा वैल्यू। आपको एक बात क्वाइन कलेक्शन है ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही बहुत अच्छा है। अगर आप आज की डेट में रेयर सिक्के कलेक्ट करते हैं, रेयर सिक्के जैसे जो आज की डेट में रेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं या स्केयर्स की कैटेगरी में आते हैं और वो स्केयर्स आगे जाके रेयर की कैटेगरी में आते हैं, तो अगर हम उनको आज की डेट में कलेक्ट करते हैं, उनको होल्ड करते हैं 5 साल 6 साल, तो आप ये देखोगे कि उसकी जो कीमत में है वो समय के साथ ग्रोथ हुई। जैसे कि ये सिक्का है, ये डबल क्रॉस का नोएडा मिंट का 2005 का सिक्का है, ये स्टार्टिंग का, ये स्टार्टिंग का सिक्का है, मेटलिक कॉइन है। अभी ये रेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है, 95,000 इसकी विंटेज है, यानी कि टकसाल ने नोएडा मिंट ने इसको 95,000 सर्कुलेशन में जारी किया। अभी 500 से 700 रुपये की कीमत है यूएनसी कंडीशन में, 5 साल बाद आप खुद देखना इसकी कीमत क्या होगी। नहीं वो तो है, दोबारा तो बनेगी नहीं, कीमत बढ़ती है। तो ये जो मैंने बहुत सारे ऐसे कलेक्टर देखे हैं जो अभी रेयर सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं एज ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, यानी कि भविष्य के लिए, इनकी कीमत बढ़ेगी तब हम इनको बेचकर अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। नहीं बेचेंगे तो बच्चे भेज देंगे, बच्चे भेज देंगे, बच्चों के काम आएंगे। तो एक हॉबी भी है और स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें स्टडी है, सारा खेल स्टडी का है। क्योंकि बहुत सारे लोग है ना सिक्के बेचने आ जाते हैं, ठीक है, उनको पता होता नहीं, कोई भी नहीं खरीद रहा सिक्के को, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सिक्के दिखते कौन से हैं जो रेयर होंगे। भाई यहाँ पर ये जो स्टॉल लगी है, एग्जीबिशन लगी है, ये नॉर्मल सिक्के खरीदे चिल्लर खरीदे थोड़ी बैठे हैं, ये वो सिक्के खरीदेंगे जिनसे इनको भी 4 पैसे बचे, आपको तो बेनिफिट मिले ही लेकिन इनको भी कुछ बचे। तो रेयर नोट सिक्के यहाँ पर खरीदे और बेचे जाते हैं एग्जीबिशन, उसी के लिए एग्जीबिशन यहाँ पर लगती है। देखो इन्होंने है ना, ये एक भाई आए हैं, इन्होंने ये सिक्के दिखाए हैं, तो
कि 15 डेज का सिक्का है 2010 का, 2008, 9, 10 15 डेज के सभी सिक्के ओरिजिनल होते हैं। और इसमें आती है एक म्यूल वैरायटी, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था, अगर सीधा लिखा होता है तो म्यूल टाइप वैरायटी होती है। अब ये है 10 रुपए का प्लैंचेट, प्लैंचेट मतलब विदाउट डिनोमिनेशन विदाउट सिक्के लेकर आए हैं, जिसमें एक 2010 का बायोमेट्रिक ये 15 डेज का सिक्का है, और एक है ये प्लैंचेट बायोमेट्रिक प्लैंचेट है, देख सकते हैं विदाउट डिनोमिनेशन विदाउट अशोक स्तंभ। तो ऐसा ये प्लैंचेट भी अपने आप में करीब करीब 150 से 350 रुपए की कीमत रखता है। आपने किस प्राइस में लिया आप बताओ जरा? 250 रुपए में इन्होंने 10 रुपए का ये बायोमेट्रिक प्लैंचेट खरीदी है। तो ऐसा भी कलेक्शन होता है, ऐसे भी कलेक्ट करते हैं लोग। सरदार जी हैं, इन्होंने अपनी एल्बम दिखाई है मुझे, ये काफी भारी एल्बम है, इसमें ब्रिटिश कालीन सिक्के हैं, देख सकते हैं इसमें क्वीन विक्टोरिया के सिक्के हैं, किंग जॉर्ज फिफ्थ के सिक्के भी इसमें दिख रहे हैं। ये देखिए क्वीन विक्टोरिया के इसमें ज़्यादातर सिक्के हैं, ये देखें। कब से कलेक्ट कर रहे हो आप सिक्के? मैं तो 3.5 साल से। 3.5 साल से आप सिक्के? ये तो मेरे को वैसे ही पड़े थे शौकिया। हाँ, मैंने बेच दिए, 300 सिक्के बेच दिए, 800-1500 मेटल। अच्छा, 305 रुपये। तो ये चांदी के सिक्के आपके पास पहले से ही रखे थे नहीं, या खरीदे आपने? मैंने कुछ फिर बीच में 400-500 के भी खरीदे लेना अंकल जी, बेचने के बाद। अच्छा, पहले तो 40-45 का खरीदा, बताएंगे अभी रखो, मैं भी करता हूँ इसके बारे में बात करूँगा आपसे भी। पहले 40-45-50 रुपये के आते थे, आज 15-16 साल पहले जब बहुत लेयर थे, एक जगह किसी कंपनी को पहले थोड़ा लेने के चक्कर में ना, हाँ कंपनी की एक बुट की, हाँ 15 साल एक बुट हो जाएंगे साउथ इंडिया में, पैसे हो जाएंगे। हाँ चलो, मैं आपसे अभी मैं बात करता हूँ, 30,000 के सिक्के बेच दिए थे 105 रुपए के साथ, 300 सिक्के, वो साली बात देखी। अच्छा, गवर्नमेंट साल मिली होती है ना, पुलिस साल मिली होती है, उसको तुम कुछ कर नहीं सकते, मिले हुआ ना मिस्टर मिस्टर सब सब चीटर होते हैं। हाँ, दो सिक्के इसमें निकली है, दो सिक्के निकली है। तो ये देखिए, तो ये कलेक्टर है, काफी सीनियर कलेक्टर लग रहे हैं, इन्होंने ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्कों का कलेक्शन किया है, पूरी एल्बम बनाई है इन्होंने, देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं क्वीन विक्टोरिया के, विक्टोरिया एम्परर्स और क्वीन विक्टोरिया के नाम से जो भी सिक्के आते हैं, ज़्यादातर चांदी के सिक्के इन्होंने कलेक्ट किए हैं। इसमें एक दो फेक सिक्के भी हैं, जो हो जाता है कभी नॉलेज के अभाव में, ऐसे सिक्के कभी कभी आ जाते हैं, या काफ़ी सारा हम लॉट जब खरीदते हैं तो उसमें भी ऐसे सिक्के कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। कुछ स्मारक और कॉमोमेटिव सिक्कों का भी इन्होंने कलेक्शन किया है। तो कलेक्शन आप कब से करो ये बताओ? 3.5 साल छोटी स्मॉल एल्बम है, देखो पॉकेट एल्बम भी है इनके पास एक छोटी, इसमें भी ये निकालना पड़ेगा। 84-85 की है, देखो 1885 का है ये, 91% सिल्वर का चांदी का सिक्का होता है ये, 92%, हाँ 92%, और विक्टोरिया एम्परर्स ये देख सकते हैं, सिक्का भी अच्छा है, छोटी एल्बम इन्होंने बनाई है छोटी, और इसमें भी इन्होंने काफ़ी सारे सिक्के काफ़ी व्यवस्थित तरीके से रखे हुए, ऐसी एल्बम बनाते हैं तो सिक्के भी काफ़ी सेफ रहते हैं इसमें, देख सकते हो 1885, 1917, इसमें भी चांदी के सिक्के ही हैं ज़्यादातर, सारे चांदी के हैं, हाँ हाँ काफ़ी अच्छे सिक्के हैं, इम्पोर्टेड मेरे बहुत बड़े हैं। अच्छा, अभी कम से कम मेरे को 4,000 पे, 4,000। अच्छा दूसरा ये आप बताओ, आप कब से कलेक्शन कर रहे हो और ये हॉबी कैसी, आप बताओ? जो एक नए लोग आ रहे हैं कलेक्शन करते हैं, नई वीडियो देखते हैं, उनके अंदर एक होती है जिज्ञासा क्या हम एक फोन कलेक्टर या कलेक्शन करें, तो उनके आप क्या कहते हैं कि उन्हें एक बार पहले सारी चीज़ें समझनी चाहिए, उसका रेफरेंस लेना चाहिए, आप बताओ क्या कहना? ये हॉबी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टेड है, और अगर आप इसका कलेक्शन करते हो तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी बेनिफिट है कि किसी ज़माने में किसी पिछले समय में इस तरह के हमारे नोट या सिक्के चला करते थे। अच्छा, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले तो आपको जो गाइडेज है वो के जो हैं वो आपको परचेज करनी चाहिए, जैसे आपकी रिपब्लिक इंडिया की कौन सी इसकी बुक हो जाती है, पेपर मनी गाइड पेपर हो जाती है,
और जो थोड़ी अगर उस पर जाते हो तो पेपर मनी के उससे भी जिसमें ग्रेफिक इंसर्ट वगैरह सब सारी कहाँ जो बारीकी से समझाया जाता है वो बुक आती है, तो आप इनका भी जो यूज़ कीजिएगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जो एग्जीबिशन वगैरह में जो आते हो वहाँ पर आप ये देखिएगा कि अगर वो कोई भी कौन सी नोट बिक रहा है किस खूबी के पीछे बिक रहा है। हाँ, अब ये मत देखिए कि ये पास किसी का हमारे पास भी है, 10 का नोट हमारे पास भी है। अब ये देखिए कि उसमें खूबी क्या खूबी है जो इतना महंगा बिक रहा है, ऐसा महंगा बिक रहा है। अगर देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि आप सोचते माता वैष्णो देवी वाला सिक्का हमारे पास है यार का 1 लाख का 2 लाख का 5 लाख का, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा सिक्का अगर दिखता भी है तो उसको पहले देखो उसमें खूबी क्या है, चाहता हूँ मैं सो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कुछ एरर हो सकता है। अगर वो महंगा है 1000 का 500 का 2000 का किसी भी वजह से अगर वो होता है, अब जैसे तिलक जी कौन चाहता है आप कॉमन देखो खाली तिलक को ले लो 300-500-700 का मिल जाता है। एक सिक्का है, मैं आपको एक सिक्का बताऊँ, जैसे जुल्फिकार अली तिलक के सिक्के का एग्जाम्पल दिया, तो तिलक के जो सिक्के हैं कोपर निकल में, एक तो ये आते हैं देखो सर्कुलेशन में, कोपर निकल के सिक्के में आपको दिखा ये वाले सिक्के, ये बाल गंगाधर तिलक के नाम से सिक्के आते हैं। और कोपर निकल में एक आती है वैरायटी बाल गंगाधर तिलक जी, और एक और आती है इसमें म्यूल वैरायटी जो कि स्टेनलेस स्टील में बनी है, और वो आती है एम मिंट मार्क से। एम मिंट मार्क होता है प्रूफ डाई का मिंट मार्क, लेकिन वो स्टेनलेस स्टील के सिक्कों में आती है, यानी कि कोपर निकल का जो मिंट मार्क है प्रूफ कॉइन वो स्टेनलेस स्टील के सिक्कों में आ जाती है। वो अभी मैं वहाँ पर गया था तो उनके पास है वो सिक्का, एम मिंट मार्क वाला दिखाऊंगा आपको। मेरे पे भी है। वो करीब 3000 रुपये की कीमत में, वो सिक्के की कीमत होती है UNC कंडीशन में। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है, सिक्के बेचने से पहले बेचने की जल्दबाजी ना करें, पहले नॉलेज गेन करें, पहले अच्छे से पूरा ज्ञान लें सिक्कों के बारे में। रेफरेंसेस के लिए आप बुक्स ले सकते हैं, और जानकारी के लिए आपको सिक्कों पर खुद से स्टडी करनी होगी, एग्जीबिशन में आए कलेक्टर्स के डीलर्स के संपर्क में रहना होता है, तब जाके धीरे धीरे सभी सिक्कों की जानकारी मिलती है। 10 पैसे 20 पैसे ये सब लेकर एग्जीबिशन में आप आ जाते हैं तो वो सिक्के नहीं खरीदता है कोई, यहाँ पर सिर्फ रेयर नोट और सिक्के खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ पर वो दुर्लभ नोट सिक्के बेचे और खरीदे जाते हैं जो कि यूनिक है, जिनमें कोई खास बात है जो बाकी नोट और सिक्कों से उनको थोड़ा अलग बना देती है। तो जुल्फिकार अली जी जो नए कलेक्टर्स हैं उनको एग्जीबिशन सबसे पहले अटेंड करें, एग्जीबिशन में आके वो बारीकी से ये समझे कि कैसे नोट सिक्के और खरीद रहे हैं लोग, है ना, उसमें क्या खास बात है। 5 रुपये का सिक्का अगर रखा है और उसके कोई 2500-3000 रुपये दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, क्या वो डाई वैरायटी है, क्या वो OMS है, ठीक है, क्या उसमें कोई सिक्योरिटी एज है, रेडिड एज है या प्लेन एज है, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। तो अगर आप भी कलेक्शन की आपने शुरुआत करी है तो एग्जीबिशन में अटेंड करें, सारी चीज़ें अच्छे से समझें। तो वीडियो को फिलहाल मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, आगे और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा के सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले एग्जीबिशन समय समय पर लगती है, कलेक्टर्स डीलर्स एग्जीबिशन में आते हैं, और जो जिन्होंने अभी नया कलेक्शन शुरू करा है वो भी यहाँ पर आकर नॉलेज ले सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।